हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल मैं इसल्व डॉक्टर कविता गुप्ता बच्चों आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम कराऊंगी दैट इफ एफ इज़ अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन फ्रॉम अ कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस टू अनदर मीट्रिक स्पेस ठीक है एफ कोई भी एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन दिया हुआ है और आपका जो है मीट्रिक स्पेस एक्स जो है वो कॉम्पैक्ट है तो जब उसकी रेंज लेंगे हम तो रेंज ऑफ एफेक्ट्स इज ऑल्सो कॉम्पैक्ट ठीक है तो मतलब कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस इज जो भी होगा अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है तो उसकी रेंज भी जो है वो कॉम्पैक्ट हो जाएगी सो लेट अस स्टार्ट बच्चों सेम इसी तरीके की चीज़ आपने कनेक्टेडनेस के चैप्टर में भी करी थी अब सेम वही काम हम यहाँ पे कॉम्पैक्टनेस के लिए करेंगे तो देखो बेटा हमें क्या गिवन है कि एक्स जो है कॉम्पैक्ट है अगर एक्स कॉम्पैक्ट है तो ये कॉम्पैक्टनेस की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा मतलब हर ओपन कवर के पास फाइनाइट सब कवर जरूर होगा तो हमने पहले इसके पास एक्स के पास एक ओ, जो भी ओपन कवर होगा उसका फाइनाइट सब कवर होगा और हमारे को शो किसका करना है कि रेंज एफेक्ट्स ऑफ एफ इज ऑल्सो कॉम्पैक्ट इसका मतलब एफेक्ट्स शुड ऑल्सो सैटिस्फाई द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस ये हमें शो करना है सो लेट अस टेक स्टार्ट विद द ओपन कवर ऑफ एफेक्ट्स तो मैंने जी लैमडा लैमडा बिलोंग्स टू इंडेक्स ये जो सिंबल होता है ये इंडेक्स का होता है दिस बी एनी ओपन कवर ऑफ एफेक्ट्स तो हम इसके ओपन कवर से चलेंगे और इसका फाइनाइट सब कवर ढूंढेंगे तो आप देखिए जब ये ओपन कवर है इसका मतलब ये पूरा का पूरा इफेक्ट को कवर कर लेता है इसका मतलब सारा का सारा इफेक्ट जो है इस जी लैमडा में है तो इट दैट इज कंटेंड इन यूनियन जी लैमडा लैमडा बिलोंग्स टू इंडेक्स दिस इज बाई डेफिनेशन ऑफ ओपन कवर ठीक है बच्चों अब आप ये देखिए ये यहाँ पे हर जी लैमडा ओपन है अगर हर जी लैमडा आपका ओपन है तो उसकी जो इनवर्स इमेज होगी वो क्या होगी ओपन हो जाएगी डोमेन के अंदर बिकॉज कॉन्टिन्यूस फंक्शन के बनाया आपको पता है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है आपको ये मालूम है ना कि इफ इज फ्रॉम टू यू टेक एनी ओपन सेट इन दिस देन इसकी जो इनवर्स इमेज होगी दैट विल बी ओपन इन एक्स तो हमें क्या पता चला बेटा कि ये जो जी लैमडा है इफ दिस इज ओपन इन वाई देन एफ इनवर्स जी एक्स जो होगा वो ओपन हो जाएगा एक्स के अंदर और ये हर एक जी लैमडा के लिए ट्रू होगा ठीक है बच्चों तो अब मैं क्या क्लेम कर रही हूँ कि ये एक्स इज कंटेन यूनियन एफ इनवर्स जी लैमडा लैमडा बिलोंग्स टू इंडेक्स देखिए बहुत आराम से हो जाएगा प्रूफ हमें जब भी ऐसे कंटेनमेंट का रिलेशनशिप शो करना होता है तो हम क्या करते हैं टेक एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑन दी लेफ्ट साइड एंड शो दैट इट इज कंटेंड इन द राइट साइड सो आई टेक एनी आर्बिट्ररी एलिमेंट से x इन x ठीक है अब x बिलोंग्स टू x है तो एफ एक्स कहाँ पे होगा रेंज के अंदर होगा रेंज ऑफ f के अंदर होगा तो एफ एक्स बिलोंग्स टू एफ एक्स आ जाएगा और ये एफ एक्स क्या है यहाँ पे देखिए दिस एफेक्ट इज कंटेंड इन यूनियन जी लैमडा इसका इस्तेमाल यहाँ कर लिया ठीक है तो इसका मतलब एफेक्स जो है ये जो जी लैमडा वाले सेट्स जो हैं ओपन सेट्स जो हैं इन्हीं में से किसी एक जी लैमडा के अंदर जो है ये एफेक्ट्स होगा ठीक है तो मैंने ले लिया कि लेट एफेक्स बिलोंग्स टू जी लैमडा फॉर सम लैमडा बिलोंग्स टू इंडेक्स ठीक है किसी एक उसके अंदर जरूर होगा अगर एफेक्स इसके अंदर है तो एक्स किस में होगा एफ इनवर्स के अंदर हो जाएगा इस एफ को इधर लेके जाएंगे तो ये एफ इनवर्स बना देगा तो एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स आ गया अब एक्स बिलोंग्स टू एक्स से शुरू हुए और हम कहाँ तक आ गए एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स लैम्डा अब ये एफ इनवर्स जी लैंडा जो होगा हमेशा यूनियन ऑफ एफ इनवर्स जी लैमडा में जरूर होगा आप सबको पता है कि अ सेट इज ऑलवेज कंटेन्ड इन द यूनियन ऑफ मेनी सेट्स ठीक है जैसे ए इज कंटेंड इन ए यूनियन भी है तो इसी तरीके से एफ इनवर्स जी लैमडा इज कंटेंड इन यूनियन एफ इनवर्स जी लैमडा तो एक्स जो आ गया आपका बिलोंग्स टू है एक्स बिलोंग्स टू यूनियन एफ इनवर्स जी लैमडा आ गया अब शुरू हुए थे कैपिटल एक्स से और ले आए हम यूनियन एफ इनवर्स जी लैमडा में तो एक्स इज कंटेंड इन यूनियन एफ इनवर्स जी लैमडा आ गया ठीक है बच्चों तो यहाँ तक देखिए क्या है यहाँ से मैं ये बात कह सकती हूँ कि एफ इनवर्स जी लैमडा की जो यू फैमिली बनेगी ओपन सेट्स की वो ओपन कवर एक्स का बन जाएगी बन जाएगी ना क्योंकि ये डेफिनेशन किसकी बन गई ओपन कवर की बन गई और यहाँ पर हर हर एफ इनवर्स जी लैमडा जो है ओपन है तो इसीलिए ये ओपन कवर है क्यों था ओपन क्योंकि जी लैमडा ओपन था एफ कॉन्टिन्यूस था तो इनवर्स इमेज ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस तो ये एफ इनवर्स जी लैमडा जो था हर एक एफ इनवर्जी इलाडा ओपन था आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन तो ये पूरा का पूरा ओपन था तो इट एक्ट्स एज एन ओपन कवर ऑफ एक्स तो हम किसके कवर से शुरू हुए थे एफ एक्स के कवर से शुरू हुए थे और हमने उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कवर किस में बना लिया एक्स के अंदर बना लिया अब एक्स कॉम्पैक्ट है अगर कॉम्पैक्ट है तो इसके पास फाइनाइट सब कवर होगा फाइनाइट सब कवर का मतलब इसी में से कुछ फाइनाइट जो होंगे सेट्स निकल आएंगे जो कि पूरा का पूरा एक्स बना देंगे ठीक है तो इसमें से जो फाइनाइट एलिमेंट्स निकाले मैंने वो किस फॉर्म के हो गए एफ एन वर्स जी लैमडा आई वेयर आई वेरिंग फ्रॉम वन टू एन तो मैंने सपोज कर लो शुरू के एन जो सेट्स हैं इस यूनियन में से निकाल लिए वो पूरा का पूरा मेरा एक्स बना देंगे तो फाइनाइट कवर की डेफिनेशन मुझे क्या बताती है ये चीज बताती है ठीक है ना तो फाइनाइट सब कवर की डेफिनेशन से मेरे पास ये आ गया अब इसके अंदर क्या किया टेक एफ ऑन बोथ द साइड्स तो हमने दोनों तरफ एफ लिया तो मेरे पास आ गया एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ यूनियन दिस ठीक है अब देखो ये एफ ऑफ यूनियन देश है तो इसमें यूनियन को इधर किया और एफ को इधर किया तो ये एफ इन एफ इनवर्स आ गया आपको पता है एफ और एफ इनवर्स आइडेंटिटी होते हैं तो आई आई ऑफ़ जी लेमडा आई क्या हो जाएगा जी लेमडा आई ठीक है ना तो आपके पास ये क्या आ जाएगा ये सारे के सारे एफेक्ट्स जो होंगे ये किसके अंदर कंटेंट आ जाएंगे आपके क्योंकि आपका एफ जो है एफ इनवर्स ऑफ जी लेमडा आई जो होगा ये पूरा का पूरा जी लेमडा आई के अंदर कंटेंट हो जाएगा तो एफ एक्ट्स इज कंटेंड इन यूनियन जी लेमडा आई आ गया ठीक है बच्चों तो यहां से मुझे क्या पता चला कि ये जो जी लैमडा आई है आपका ये पूरा का पूरा इफेक्ट को कवर कर रहा है अगर ये पूरा का पूरा इफेक्ट को कवर कर रहा है तो ये इसका क्या बन जाएगा फाइनाइट फाइनाइट सब कवर बन जाएगा फाइनाइट वर्ड क्यों आ गया क्योंकि एन तक वेरिएशन है सिर्फ कवर तब तक होता है जब तक आर्बिट्ररी फैमिली है फाइनाइट सब कवर बनाने के लिए आई वेरिंग फ्रॉम वन टू एन आ गया मतलब कुछ फाइनाइट एलिमेंट से ही बन गया तो वो फाइनाइट सब कवर हो गया If, मतलब if element, तो ये का मुझे एक फाइनाइट सबक मिल गया तो एफेक्स क्या बन गया आपका कॉम्पैक्ट ये मुझे प्रूफ करना था अब इसी से बेटा कुछ करोलरीज है ये देखिए लेट एफ बी होमियोम ऑफ द मीट्रिक स्पेस एक्स डी एक्स ऑन टू अस वाई देन इफ एक्स इज कॉम्पैक्ट देन x इज कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ y इज कॉम्पैक्ट अगर x कॉम्पैक्ट है तो y भी कॉम्पैक्ट होगा देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में और इसमें क्या डिफरेंस है ऊपर x कॉम्पैक्ट था तो हमने शो किया कि एफ एक्स कॉम्पैक्ट है ठीक है अब यहाँ पर ऑन टू वर्ड आ गया ऑन टू है तो आपको पता है रेंज और कोडोमेन बराबर हो गए तो हमारा f क्या था x से y में था जब मैं रेंज बोल रही थी तो रेंज ऑफ एफ को हम एफ एक्स से डिनोट करते हैं तो हम बोल रहे थे कि रेंज ऑफ अ कॉम्पैक्ट कॉम्पैक्ट मेट्रिक अंडर बट जब ये ऑन टू बना तो रेंज इज इक्वल टू को डोमेन तो ये एफ एक्स किसके बराबर आ जाएगा वाई के बराबर आ जाएगा तो अगर एक्स कॉम्पैक्ट हुआ तो वाई भी कॉम्पैक्ट हो जाएगा ये चीज प्रूफ हो जाएगी तो ये ऊपर वाली ही चीज में अगर ऊपर की थ्योरम में ऑनटूनेस डाल देने से हमारा क्या आ गया कि अगर डोमेन कॉम्पैक्ट है तो कोडोमेन भी कॉम्पैक्ट है बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड क्या है इफ एंड ओनली इफ ठीक है इसका मतलब अगर y कॉम्पैक्ट है तो x भी कॉम्पैक्ट होगा वो कैसे प्रूफ हो जाएगा क्योंकि वर्ड है होम्योमोर्फिज्म होम्योमोर्फिज्म की डेफिनेशन को रिकॉल कीजिए जो इससे पहले वाले चैप्टर में आपको कराई थी होम्योमोर्फिज्म तो बोलती है कि f वन वन भी होगा ऑन टू भी होगा एफ कॉन्टिन्यूअस भी होगा और एफ इनवर्स भी कॉन्टिन्यूस होगा तो अब आप बिटेप तो मेरे को लगता है आप सबको ये प्रूफ अपने आप ही समझ आ गया होगा देखो अगर एफ इनवर्स कॉन्टीन्यूअस है तो एफ इनवर्स मैपिंग कहाँ से कहाँ तक की है वाई से एक्स की तो अब इसके ऊपर थ्योरम लगाइए यही वाली कि एफ इनवर्स अगर कॉन्टिन्यूस है तो क्या होगा कि अगर वाई जो है कॉम्पैक्ट होगा तो रेंज ऑफ वाई इज ऑल्सो कॉम्पैक्ट तो हमारा रेंज ऑफ वाई जो हो गया क्या हो गया एफ इनवर्स वाई वो भी कॉम्पैक्ट हो जाएगा बट आप देखिए कि अगर एफ वन वन भी है ऑन टू भी है तो एफ इनवर्स एग्जिस्ट भी करता है और वो वन वन ऑन टू खुद भी होता है तो एफ इनवर्स क्योंकि ऑन टू है तो रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन तो यहाँ पे कोडोमेन क्या है x है तो f इनवर्स y x के बराबर आ गया तो जब f इनवर्स y कॉम्पैक्ट था तो x भी कॉम्पैक्ट हो गया ठीक है बच्चों सो आई थिंक ऑल ऑफ यू कैन डू दिस ये तो ईजी था आपका मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे इससे कर लेना ठीक है बच्चों नेक्स्ट देखिए इफ़ एफ इज अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन फ्रॉम अ कॉम्पैक्ट मीट्रिक स्पेस ऑन टू अनदर मीट्रिक स्पेस फिर से वही बात सेम चीज एफ इज फ्रॉम एक्स टू वाई और एक्स जो है आपका कॉम्पैक्ट है और ये कॉन्टीन्यूअस भी है और ऑन टू भी है देन रेंज ऑफ एक्स इज बाउंडेड एंड क्लोज सबसेट ऑफ बाई तो देखिए आपको ये तो पता ही चल गया कि अगर एक्स कॉम्पैक्ट है एंड एफ इज अ कॉन्टीन्यूअस फंक्शन और ये ऑन टू भी है तो आपका जो है वाई भी कॉम्पैक्ट आ जाएगा या आप एफेक्स की बात करना चाहते हैं तो एफ एक्स इज ऑल्सो कॉम्पैक्ट ठीक है क्योंकि क्वेश्चन में रेंज की बात है तो हमने रेंज ले लिया तो हमारा ये एफ एक्स तो कॉम्पैक्ट आ गया जो आज थ्योरम करी आपने उससे अब रेंज इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ द कोडोमेन और अगर ऑन टू होता है तो बराबर हो जाते हैं तो हमने क्या लिया अभी हमने सबसेट से ही काम चलाया एफ एक्स क्या बन गया कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ वाई बन गया अब आपने ये थ्योरम करी हुई है थ्योरम 5.1.5 के अंदर की कॉम्पैक्ट सबसेट जो होता है वो हमेशा ही क्लोज्ड और बाउंडेड होता है तो ये कॉम्पैक्ट सबसेट है एफेक्स कॉम्पैक्ट सबसेट है अगर ये कॉम्पैक्ट सबसेट है तो ये क्या होगा क्लोज भी हो जाएगा और बाउंडेड भी हो जाएगा ठीक है तो बिना ऑन टू के भी हमारा काम चल रहा था इस क्वेश्चन में तो हमारे को क्या पता चला कि कॉम्पैक्ट सबसेट जो था ये मतलब एफेक्स जो था पहले हमने प्रूव किया कि आज है है अब हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो और बाउंडेड भी होता है All right class, तो ये थी आपकी एक एक और देख लीजिए इसमें a real valued continuous function, real valued मतलब उसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो रियल हैं तो ये को डोमेन आर बना देगा ठीक है तो अ रियल वैल्यूड कॉन्टिन्यूस फंक्शन डिफाइंड ऑन अ क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल क्लोज और बाउंडेड इंटरवल क्या हो गया क्लोज मतलब दोनों और बाउंडेड मतलब इन्फिनिटी नहीं है दोनों में से किसी भी तरफ माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी नहीं है तो ये क्लोज एंड बाउंडेड इंटरवल बन गया रियल वैल्यूड है तो डोमेन हो गया ए बी और को डोमेन हो गया आर ये आपको कॉन्टिन्यूस फंक्शन दे रखा है ठीक है हमें शो करना है कि ये जो है बाउंडेड है ये जो फंक्शन है ये बाउंडेड है तो आप देखिए आपके पास क्या आ जाएगा बड़े आराम से ये प्रूफ हो जाएगा आप देखिए कि क्लोज्ड इंटरवल हमेशा कॉम्पैक्ट होता है तो क्लोज इंटरवल इज अ कॉम्पैक्ट सबसेट ऑफ आर तो ये डोमेन जो है कॉम्पैक्ट हो गया अगर डोमेन कॉम्पैक्ट है और फंक्शन कॉन्टीन्यूस है तो रेंज जो होगी वो भी कॉम्पैक्ट हो जाएगी तो रेंज ऑफ एक्सिस जो ए बी है ये कॉम्पैक्ट हो गई ए एफ ऑफ ए बी अगर कॉम्पैक्ट है तो आपको पता है कि आपने किया हुआ है कि कॉम्पैक्ट सबसेट इज ऑलवेज क्लोज एंड बाउंडेड तो ये जो एफ ए बी होगा ये क्लोज भी हो जाएगा और बाउंडेड भी हो जाएगा मुझे बाउंडेडनेस चाहिए तो मैं बाउंडेडनेस ले लूंगी तो एफ एफ ऑफ ए बी क्या क्या आ जाएगा मेरा बाउंडेड आ जाएगा ठीक है बच्चों तो आज की क्लास में मैंने बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम कराई उससे रिलेटेड करोलरीज भी आपको कराई नेक्स्ट क्लास में आगे चलाएंगे बेटा चैप्टर को मैं ये वाली थ्योरम कराऊंगी आपको नेक्स्ट क्लास में ठीक है तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में टिल देन पढ़ाई करते रहें ऑल द बेस्ट